देख रहे हो कितना ही यमी बना है ये रेड सॉस पास्ता। चलिए फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी ऐड कर दिया है 2 ग्लास। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, जिसे मैंने डीसीड कर दिया था ताकि तीखापन ना लगे। इसे 3 से 4 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जिसे ऐसे कट्स दे देंगे और उसकी आई पोर्शन निकाल देंगे। अब इसे हमें बॉईल करना है 1 मिनट तक, यानी कि टोटल 5 मिनट्स। जैसे ही टमाटर की स्किन जो है सॉफ्ट होती है, इसे हम रिमूव कर देंगे कढ़ाई से। अब इसका पानी पूरा स्ट्रेन कर हम इसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर की स्किन जो है इजीली रिमूव हो जाए। स्किन निकलती है, इन द मेन टाइम पास्ता बॉईल कर देंगे। 2 कप्स मैंने पास्ता ले लिया है, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। पास्ता ऐड कर दें मीडियम फ्लेम पर, नमक ऐड करें और ऑयल ऐड कर दें ताकि ये सेपरेट हो। पास्ता बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर हम मिक्सी में ब्लेंड कर देंगे टमाटो एंड लाल मिर्च। सॉस बनानी है, पेस्ट बनानी है, थोड़ा सा वही पानी ऐड कर देंगे जो ठंडा पानी था ना। तो बस अब यहाँ पर पास्ता भी बॉईल हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रोसीजर पर। पास्ता को ठंडे पानी में, अब सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दें। इसमें बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। 2 मिनट तक इसे कुक करने के बाद बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर दें। प्याज को हमें सुनहरा कलर होने तक भुनना है। अब 3 से 4 मिनट तक प्याज भुन लिया है, आप देखेंगे इसका जैसे ही कलर चेंज होता है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आगे की सारी इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब हम इसमें टमाटो प्यूरे ऐड कर देंगे, जो हमने ब्लेंड कर रखा था। अच्छी तरीके से इसे मिला दें और जैसे ही टमाटर जाता है, आपको पता है इसके बाद ऐड कर देना है हमें स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स ले लिए हैं, ऑरिगैनो, इटालियन हर्ब्स जो हैं एंड ब्लैक पेपर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएं, कुक करें लिड लगाकर 5 से 6 मिनट। 6 मिनट कुक करने के बाद सॉस बनकर रेडी है, लिड हटा लीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल्ड पास्ता। पास्ता ऐड करते वक्त आप फ्लेम को लो पर ही रखें, हल्के हाथों से इन्हें मिला दें लिड। अब इसमें बटर ऐड कर दें, बटर से स्वाद जो है काफ़ी अच्छा आता है, रिच आता है। रेड सॉस पास्ता बनकर रेडी है, इटालियंस इसे ड्राई ही खाते हैं। ट्रांसफ़र कर देती हूँ सर्विंग बोल में। थोड़ा पोर्शन पहले पास्ता ऐड कर दें, फिर ऐड करेंगे माय फेवरेट चीज़, मोज़रेला चीज़ या जो भी चीज़ अवेलेबल हो आपके पास। फिर सेकंड पोर्शन पास्ता ऐड करेंगे, फिर चीज़, यानी कि चीज़ इसमें पूरी फ्लडेड है। अगेन पास्ता ऐड कर दें। अब मैंने इसे सिलान्थ्रो से गार्निश कर दिया है। आपको पसंद आता है तो बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कैसा रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें चैनल को। सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हमें फॉलो करें। दिस इज़ निकिता आहूजा साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। ये एक टिप है, अगर आपका सॉस थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर कुक करें। अगर पतला लगता है तो कॉर्नफ्लावर या व्हीट फ्लावर ऐड करें और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करें।